भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद से टकराव के बावजूद परिस्थितियां ऐसी रहीं कि सीमाओं पर गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं हुई, यानी कि दो परिपक्व देशों की निशानी। पर चीन बार बार इस तरह से उकसावे की कार्रवाई करता रहा है और आज की तारीख में वो जो कुछ कर रहा है उससे सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या महामारी के दौर में भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन? चाइना का माइंड पढ़ना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है, जो दिखाता है वो होता नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और जब वो सोचते हैं तो आज से 100 साल के बाद की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते। क्या 1962 की तरह फिर से भारत के साथ धोखा कर सकता है चीन? '62 में हम लोग जो थे, हमारी डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं थी, इस वजह से हम लोग एक डिसएडवांटेज पे थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमारे फेवर में हो गई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बॉर्डर एरियाज के अंदर, वो बहुत इम्प्रूव हो गया। ड्रैगन ने क्यों अचानक सेना को लेकर बदल ली है अपनी रणनीति? ये देख रहा है कि, और चाइना ने, आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में अपनी स्ट्रैटेजी बदली की है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि वी विल डू स्मॉल साइज ऑपरेशंस। आपने 62 में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, वेव्स ऑफ चाइनीज यूज्ड टू कम एंड अटैक। अब वो उनकी कॉन्सेप्ट बदल गई है, अब उनकी कॉन्सेप्ट स्मॉल टीम हो गई है। दे रिलाई मोर ऑन हेलीकॉप्टर्स, दे रिलाई ऑन स्मॉलर टीम एक्टिविटी। स्मॉलर टीम माने कुड बी अ कंपनी, कुड बी अ कंपनी लेस, कुड बी अ बटालियन, स्मॉलर साइज फोर्सेस व्हिच कुड बी मेंटेन्ड। भारत के किस एक्शन से डरा ड्रैगन? सीमा पर खेल रहा है डर्टी गेम। उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक है, सब ऑल अक्रॉस एलएसी। और जबकि हमारी तरफ से जब हम थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी डिसगाइज में वो हमेशा इसमें प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की जन्मभूमि चीन में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। कहाँ तो कोरोना काल में जिनपिंग सुपर पावर बनने के सपने देख रहे थे, कहाँ सड़क पर आने की नौबत आ गई। इसके पीछे कारण भी कई हैं। कोरोना को लेकर WHO में 100 से अधिक देशों ने चीन के खिलाफ जांच की मांग कर दी। सुपर पावर अमेरिका ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हांगकांग रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। ताइवान ने सीधा चीन को चुनौती देना शुरू कर दिया है। दक्षिणी चीन सागर में जापान और वियतनाम उसे खुली चुनौती दे रहे हैं। जिन कंपनियों के दम पर अब तक चीन उड़ रहा था, वो कंपनियां ही चीन से उड़ने की तैयारी कर रही है। बड़े कारोबारी पार्टनर भारत ने भी चीन के सीधे निवेश पर नकेल कस दी है। कुल मिलाकर कोरोना के दौर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन की हैसियत 2 कौड़ी की होती जा रही है। ऐसे में बौखलाया चीन अपनी थाक जमाने के लिए भारतीय सीमा पर गीदड़ भभकी दे रहा है। सर, ये जो चीन अभी कर रहा है, आपको हाल फिलहाल याद आता है कि इस तरीके से पूरे बॉर्डर को उसने, पूरी सीमा को, लगभग अरुणाचल को अगर हम छोड़ दें, बाकी पूरी सीमा को उसने एक्टिवेट करने की कोशिश की है, क्या वजह लग रही है? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली तो ये है कि हमने जो दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलके ये मांग की है कि ये जो वुहान से जो लीक हुआ, ये वायरस ये कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। सो दैट मे हैव instigated them। इस समय चीन कटघरे में खड़ा है दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर। वुहान का नाम आता है, चीन के
बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है, सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने। अब सवाल ये उठता है कि मुसीबतों से घिरा चीन क्या सच में महामारी के दौर में युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर वो क्यों एलएसी पर इतना आक्रामक हो गया? ईस्टर्न लद्दाख में अब देखिए सड़कें बन गई, काफ़ी सड़कें बन गई। दौलत बेग औलदी का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया, फुकचे का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया। हमने वहाँ कुछ दिन पहले एक टैंक रेजिमेंट भी भेज दिए, मैकेनाइज कॉलम्स भी वहाँ पर हैं। और आप देखें इस तरह से उत्तराखंड में भी हम नई सड़क बनी है जिसकी बातचीत अभी हो ही रही है, जो कि काली नदी के बगल में बनी है, उससे नेपाल परेशान हो रहा है। उधर आप देखें अरुणाचल में भी काफ़ी हद तक सड़कें बन रही हैं। तो ये सड़कों से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चाइना को ये लगने लगा कि अब मैचिंग सिचुएशन आ रही है। उनकी आउटस्टैंडिंग सुपीरियरिटी थी, अब मैचिंग बातचीत चल रही है। चीन 1962 की यादों में खोया रहना चाहता है, उसे लगता है वो आंख दिखाएगा तो भारत डर जाएगा। लेकिन ये 2020 का भारत है, जो आंखें मिलाता भी है और अपने अंदाज में समझाता भी है। इसका ट्रेलर भारत वक्त वक्त पर दिखाता भी रहता है। अब आपने देखा जैसे वहां सिक्किम में हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने घूसा मार के एक मेजर चाइनीज मेजर को गिरा दिया, तो गर्मा गर्मी हो गई। इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान की तरह न तो एलएसी पर कोई पक्का निर्माण है, न ही कांटेदार तार है। आम दिनों में यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है आईटीबीपी के जाबाज जवानों ने। जेवीएस चौधरी आईटीबीपी के डीआईजी रह चुके हैं, कई साल तक एलएसी पर तैनात रहे। जमीनी मुश्किलें क्या हैं? इनसे समझते हैं। जब ये शुरू में जब इंडो चाइना बॉर्डर डिमार्क हुआ था ब्रिटिश टाइम पर, तो मैकमोहन लाइन जो है वो एक बनाई गई थी। इट वाज बेस्ड ऑन द वाटरशेड प्रिंसिपल और पॉइंट्स दिए गए थे कि हाइट सो एंड सो, लाइनिंग ज्वाइनिंग हाइट सो एंड सो, टू पॉइंट सो एंड सो, टू पॉइंट सो एंड सो। सो दिस वाज मार्क्ड ऑन मैप एंड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इन सर्टेन एरियाज इट इज बहुत ही डिफिकल्ट है एक आदमी के लिए जाने के लिए, क्योंकि वो ग्लेशिएटेड एरिया है, उसमें जा ही नहीं सकता। लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है, एलएसी वो मार्क हो गई और वहां पर जो है वो ग्राउंड पर मार्किंग नहीं दिखाई देती।